Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature Experts. आज की जो वीडियो है ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और इस शॉर्ट वीडियो में हम जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ जो है सीखने जा रहे हैं. आजकल जो है स्पोकन का ट्रेंड बना हुआ है, हर बंदा जो है स्पोकन के चक्रों में है कि इंग्लिश जो है हमें आनी चाहिए. लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है हम इंग्लिश तो सीख लेते हैं लेकिन हमें उसका प्रोनंसिएशन का मेथड नहीं आता, हमें प्रोनाउंस करना नहीं आता कि हाउ टू प्रोनाउंस. ठीक हो गया. तो उसके लिए जो है हम प्रोनंसिएशन भी सीख लेते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं यूज़ करते हैं जो अपने हमारे अपने हिसाब से जो हैं वो बेटर प्रोनंसिएशन होती है. आपने जो है अपनी डिक्शनरी से वो प्रोनंसिएशन जो है सुनी हुई होती है या गूगल से सुनी हुई होती है लेकिन आगे वाला जो है आपको जो है उसकी जो है उससे कुछ अजीब किस्म की जो है प्रोनंसिएशन करके दिखाता है. इशू जो है कुछ ये है कि आप भी अपनी जगह पर ठीक हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक है. तो होता कुछ यूँ इस तरह है कि हमारे यहाँ जो है दो किस्म के जो एक्सेंट है वो यूज़ होते हैं, एक ब्रिटिश है और दूसरा अमेरिकन है. हमारी स्पोकन में जो है अमेरिकन यूज़ होता है लेकिन हमारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स या हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें जो है हम ब्रिटिश को फॉलो ही करते हैं. तो प्रोनंसिएशन जो है हमारे पास हर वक्त डेटा नहीं होता कि हम जो है गूगल पर जाएँ और चेक करें कि इसकी अमेरिकन प्रोनंसिएशन क्या है या इस और इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन क्या है. तो उसके लिए हम जो है ऑफलाइन डिक्शनरीज जो हैं ऑब्वियसली डाउनलोड कर लेते हैं. तो उस ऑफलाइन डिक्शनरी में जो है हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेंट जो है पहले से फिटेड होता है. मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें जो है मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सेंट जो है वो पहले से फिटेड है और वो मुझे ये पता नहीं है कि वो जो है अमेरिकन एक्सेंट फॉलो कर रही है या ब्रिटिश एक्सेंट जो है उसको फॉलो कर रही है. मतलब वो जो प्रोनंसिएशन उसमें जो फिटेड है वो अमेरिकन बेस्ड है या ब्रिटिश बेस्ड है. तो उसके लिए जो है आपको एक सिंपल सी ट्रिक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. अगर आप जो हैं वरी हो रहे हैं और आपके पास डेटा नहीं है, आप हर वक्त गूगल नहीं कर सकते, आपके पास एक ऑफलाइन डिक्शनरी है, तो उस डिक्शनरी की प्रोनंसिएशन का किस तरह पता चलेगा कि ये डिक्शनरी जो है इसकी प्रोनंसिएशन जो है ये ब्रिटिश है या अमेरिकन है. तो आपने करना कुछ ये है कि आपके पास जो है अल्फ़ाबेट का एक लेटर होता है जेड. जी, जेड जो है इसकी प्रोनंसिएशन अमेरिकन में जेड होती है लेकिन ब्रिटिश में जो है इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन जो है वो जी है. जी, आप चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाएं, वहाँ पर चेक करें द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ जी इन ब्रिटिश, ओके, एंड देन इन अमेरिकन. तो अमेरिकन में जो है आपको जेड मिलेगी और ब्रिटिश में जो है आपको जी ही मिलेगी. तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी डिक्शनरी जो है जो ऑफलाइन आप डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोनंसिएशन एक्सेंट जो उसमें फिटेड है ऑलरेडी जो फिटेड है वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है, तो उसके लिए आप सिंपल यही एक लेटर जो है अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट में से जो लेटर का है उसको जो है आप वहां पर राइट कर दें और उसकी प्रोनंसिएशन चेक करें. अगर प्रोनंसिएशन जेड आ रही है तो इट मींस कि जो फिटेड उसमें एक्सेंट है वो अमेरिकन है, और अगर आप जो है चेक करते हैं उसकी प्रोनंसिएशन जी आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो ऑलरेडी सेटेड है. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.